नमस्कार दोस्तों, रशिया के बारे में हम बात करते हैं, रशिया की न्यूक्लियर पावर के बारे में हम बात करते हैं, रशिया की एग्रीकल्चर के बारे में हम बात करते हैं। आज मैं आपको अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा रशिया के बारे में। रशिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, यानी एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया रशिया के पास है, लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। बाल्टिक सी से अगर हम देखें या पैसिफिक ओशन तक रशिया फैला हुआ है, रशिया का एरिया है वहाँ तक। ये 9th मोस्ट पॉपुलस नेशन है वर्ल्ड का, यानी 9th नंबर पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या रशिया की है। रशिया की जो कैपिटल है और जो लार्जेस्ट सिटी है वो मॉस्को है, और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है रशियन, और रशियन बहुत सिंपल लैंग्वेज है, अगर इसे सीखें तो बहुत ईजिली आप समझ सकते हैं रशियन लैंग्वेज को, बहुत ईजी है। और रशिया में अगर हम देखें तो 80.9% जो है रशियन लोग वहाँ पे रहते हैं। रशिया की जो GDP है वो 4.590 ट्रिलियन डॉलर है, और इससे भी ऊपर थोड़ी चली जाती है, थोड़ा डाउन आती है, पर एवरेज इतनी रहती है। और यहाँ पे अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट रहता है, ह्यूमिडिटी थोड़ी रहती है रशिया में। और ये 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, अगर GDP के हिसाब से देखा जाए तो 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और ये लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिसोर्स वाली कंट्री है, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस रशिया में ही मिलती है। और ये 8th लार्जेस्ट है ऑयल रिजर्व्स में, यानी 8th लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया की जिसके पास ऑयल का रिजर्व है, जो पेट्रोल डीजल होता है वो 8th लार्जेस्ट नंबर पे, मतलब 8th नंबर पे ये रशिया आता है पूरी दुनिया में। और ये 2nd लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर भी है, यानी 2nd लार्जेस्ट कंट्री है जिसके पास नेचुरल गैस के भंडार हैं, और ये सप्लाई भी करता है, तभी ये लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर भी है और लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर भी है, यानी ऑयल भी सबसे ज़्यादा यही बनाता है और उसे बेचता भी रशिया ही सबसे ज़्यादा है। रशिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है, अगर देखा जाए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ डैम है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी मतलब तीसरे नंबर पे पूरी दुनिया पे जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है रशिया। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे एग्रीकल्चर भी काफ़ी फेमस है, यहाँ पे रशिया 4th नंबर पे आता है अपनी कल्टीवेटेड लैंड पे, यहाँ पे कई फसलें उगाई जाती हैं। और जो अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो रशिया के कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने कई डिस्कवरीज की, कईयों को नोबेल प्राइज़ भी मिला, जिसमें इलेक्ट्रिक आर्क पे यहीं पे रिसर्च हुआ था, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का यहीं रिसर्च हुआ था, इलेक्ट्रिक पैरा मैग्नेटिक रिजोनेंस के बारे में भी रशिया में बताया गया था, 3D होलोग्राफी के बारे में भी यहीं बताया गया था, न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में सबसे पहला कॉन्सेप्ट भी रशिया ने ही दिया था। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में लगातार ओलंपिक्स में मतलब फोर्थ नंबर पे रशिया ही रहता है। और 2007 पे रशिया ने जो है वो नेशनल बास्केटबॉल टीम जो है उसने यूरोपियन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप भी जीती थी, तो यूरोप के साथ काफ़ी अच्छा बिजनेस भी है रशिया का। अगर यहाँ टूरिज्म की बात करें तो रशिया का जो है मोस्ट विजिटेड जो यहाँ की डेस्टिनेशन है, यहाँ जो जहाँ पे रशिया पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं वो मॉस्को है और सेंट पीटर्सबर्ग है, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। तो रशिया का देखा जाए सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स भी रशिया के पास है, यानी अगर मिलिट्री पावर पे देखें तो रशिया के पास काफ़ी अच्छी पावर है, ये बहुत पावरफुल कंट्री है, ये डायरेक्ट USA को या चाइना को भी चैलेंज कर सकता है। तो रशिया बहुत पावरफुल रहा है पहले से और अभी भी काफ़ी पावरफुल है, अपने डिफेंस सिस्टम से लेके अपने एग्रीकल्चर तक हर चीज़ में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। मैं हूँ आदित्य वे शर्मा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।